दिल्ली से आईबी की रिपोर्ट आई है कि इंटरवर्ल्ड मुंबई में एक बहुत बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम देने की ताक में है। ऐसी सिचुएशन हैंडल करने के लिए कैपेबल रावड़ी राठौर क्या बनने जा रहा है 2012 की एक्शन कॉमेडी रावड़ी राठौर का सीक्वल? क्या एक बार फिर एक्शन करते हुए नजर आएंगे अक्षय कुमार? क्या पार्ट वन की तरह होगा उनका डबल रोल और क्या कोई उन्हें लेने वाला है सोनाक्षी सिन्हा की जगह? ये 2012 की बात है जब डायरेक्टर प्रभु देवा अक्षय कुमार की फिल्म रावड़ी राठौर को बड़े पर्दे पर उतारा था और अब 8 साल बाद मेकर्स ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि अब फैंस को इस एक्शन पैक्ड एंटरटेनर का सीक्वल जरूर मिलेगा। जी हाँ, शबीना खान जिन्होंने रावड़ी राठौर 1 को संजय लीला भंसाली के साथ प्रोड्यूस किया ने मुंबई मिरर के साथ एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि वह रावड़ी राठौर 2 की स्क्रिप्ट पर काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि फिल्म की स्क्रिप्ट भंसाली की मंजूरी का इंतजार कर रही है और अब फाइनली भंसाली ने इसे मंजूरी दे दी है। हम रावड़ी राठौर 2 को अभी लिखने की प्रक्रिया में है। तो अब ये तो तय हो चुका है कि रावड़ी राठौर का सीक्वल जरूर बनेगा, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या इस फिल्म में खिलाड़ी कुमार अक्षय ही एक्शन करते नजर आएंगे या फिर उनकी जगह कोई और लेगा? तो हम आपको बता दें कि अक्षय कुमार के फैंस के लिए एक खुशखबरी है। जी हाँ, शबीना खान ने इंटरव्यू में ये भी कंफर्म किया कि सीक्वल में अक्षय कुमार ही मेन लीड में नजर आएंगे। आपको बता दें कि आज से कुछ 2-3 साल पहले अक्षय कुमार ने भी एक इंटरव्यू में अनाउंस किया था कि मैं चाहता हूँ कि रावड़ी राठौर का सीक्वल बने और अब फाइनली ये अनाउंसमेंट पूरी होने के लिए तैयार है। जिन लोगों ने रावड़ी राठौर देखी है उन्हें तो ये अच्छे से याद होगा कि अक्षय कुमार प्रभु देवा की इस फिल्म में शिव चोर और विक्रम राठौर एक पुलिस वाले के रूप में डबल रोल्स में नजर आए थे। फैंस ने उनके दोनों ही रोल्स को बेहद पसंद किया। इस फिल्म में उनकी लव इंटरेस्ट थी पारो जिसका रोल निभाया था सोनाक्षी सिन्हा ने। दर्शक उन्हें देखने के लिए सीक्वल में बहुत उत्साहित हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि इस बात की अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि सोनाक्षी रावड़ी राठौर 2 में अक्षय के साथ एक बार फिर दिखेंगी या नहीं। अब देखना ये होगा कि क्या फिल्म ओरिजिनल फिल्म की तरह बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित होती है। ये कहानी लिखी है दिव्या ने और इसे डिसाइड किया है कृषा ने। धन्यवाद।